और अब बात मौसम की। आज से मध्य प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 13 शहरों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। जी हां, ग्वालियर चंबल में हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। ग्वालियर चंबल का पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार। राज्य के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ेगी और लोगों को अभी गर्मी से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। वैसे में आज से जो हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है वो 13 शहरों में ज्यादा प्रभावी नजर आएगा, जिसमें 42 डिग्री सेल्सियस के पार टेम्परेचर जा सकता है। ग्वालियर चंबल में हीट वेव चलेगी और ग्वालियर चंबल का पारा 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई जा रही है। राज्य के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का असर देखने को मिलेगा। लोगों को अभी यहां कोई राहत नहीं मिलने वाली है। इस भीषण गर्मी से लोगों को तपना झुलसना पड़ सकता है और ऐसे में बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि गर्मी तपा सकती है, झुलसा सकती है। 13 शहरों के लिए खासकर जो अलर्ट जारी किया गया है, उसके चलते मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, श्योपुर में और इन शहरों में अधिकतम तापमान 44, 42, 43 के आसपास रहने वाला है। और ऐसे में जो धूप से बचने के एहतियाती कदम हैं वो उठाए जाने की आवश्यकता है। और हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सुशील भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, पहले आपके पास आते हैं। मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया 13 शहरों के लिए, क्या कहता है ये अलर्ट? बिल्कुल अलर्ट आशीष, अगर हम जिक्र करें तो कल भी मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी, खासतौर से ग्वालियर चंबल की बेल्ट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और उसमें और डिटेल से सुशील भी जुड़े हैं, वो भी बताएंगे। लेकिन ग्वालियर चंबल दरअसल वहां सर्दी भी उसी पैमाने पर पड़ती है और गर्मी भी उसी पैमाने पर पड़ती है। 44 से ऊपर पारा जाने की पूरी संभावना है और ये 18 तारीख यानी कल से गहें तो हम हीटवेव शुरू हो जाएगी मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उनकी माने तो। और दूसरा, ये एक हफ्ते तक लू या फिर हीट वेव लगातार लोगों को सताती रहेगी, परेशान करती रहेगी। अभी कोई राहत मिलने वाली है नहीं, क्योंकि मानसून आने में भी थोड़ा सा वक्त है। मध्य प्रदेश में भी मानसून करीब 15 जून के बाद आता, तो यह बहुत लंबा वक्त है अभी। दूसरा, केवल ग्वालियर चंबल की बात नहीं है आशीष, ग्वालियर चंबल के अलावा बाकी प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी तापमान 44 से ऊपर पहुंचेगा आज। हालांकि थोड़ा सा जरूर हो सकता है कि तापमान 40 से नीचे रहे, लेकिन कल से जो तापमान है वो बढ़ना शुरू होगा और एक दो दिन के अंदर जो तापमान का वेग है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। 41-42 तक प्रदेश की ये स्थिति रहेगी। ग्वालियर चंबल का अलग मामला रहेगा, ग्वालियर चंबल में अमूमन लोगों को ज्यादा चिंता और ज्यादा केयर करने की जरूरत रहेगी। आशीष, इस नजरिए से अगर हम देखें तो फिर मौसम विभाग का जो अनुमान है वो ठीक होता हुआ भी नजर आ रहा है, खासतौर से ग्वालियर चंबल और पूरे प्रदेश के नजरिए से। एक हफ्ते तक ये गर्मी लोगों को लगातार सताती रहेगी आशीष। बिल्कुल, और यहाँ पर क्या कोई राहत रहेगी या नहीं रहेगी इस पर भी बातचीत करेंगे। ग्वालियर चंबल की बात चली है तो यहाँ सुशील के पास चलते हैं, उनसे बात करेंगे। सुशील, अभी जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 44 डिग्री के आसपास जाने की संभावना है। एहतियाती तौर पर प्रशासन की तरफ से क्या कोई कदम उठाया जा रहा है? आम लोगों के लिए क्या कुछ यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए अगर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो ग्वालियर में कल का जो अधिकतम तापमान था वो करीब करीब 44 डिग्री पहुंच चुका था। इसके अलावा दतिया, मुरैना, भिंड सहित अन्य जो ज़िले हैं ग्वालियर चंबल अंचल के, सभी में जो तापमान का पारा है वो 42 डिग्री से 44 डिग्री के आसपास रहा था। अब मौसम विभाग का कह रहा है कि लगातार गर्मी का असर अब बढ़ेगा, क्योंकि राजस्थान से जो गर्म हवा आ रही है लगातार उनकी गति बढ़ रही है और उसके बाद इन गर्म हवाओं के चलते ही ग्वालियर चंबल अंचल में पारा अब अगर आज की बात करें तो 44 से 45 डिग्री के आसपास ग्वालियर चंबल अंचल के खासतौर पर ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया जिलों का पारा रहेगा। इसके साथ ही शिवपुरी और गुना में भी पारा चढ़ेगा। इसके अलावा मौसम विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके मुताबिक यही है कि अभी ऑरेंज अलर्ट के बाद रेड अलर्ट की स्थिति में जाने वाला है ग्वालियर चंबल अंचल और कल से हीट वेव का असर शुरू होगा। और मैं नाम कहना नहीं चाहता, ये कहा है।